हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, इसका 7 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका था। आज 8 तारीख को, 8 जुलाई को इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। इस शिफ्ट में हम लोग JK के और साइंस के कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो ऑलमोस्ट 23 के आसपास क्वेश्चन मुझे मिले हैं। 25 तो JK के हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन साइंस के मिले हैं, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का जो टाइम पीरियड है वो किस किस टाइम तक कंप्लीट किया गया था। तो इसको बनवाया किसने था, शाहजहाँ ने बनवाया था इसको, और इन द मेमोरी ऑफ उसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल। कब से कब तक ताजमहल का निर्माण किया गया था, तो 1632 से लेकर के 1648 के बीच इसको कंप्लीट किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था कि शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद बनाई थी वो किस टाइम पीरियड में बनाई थी, तो 1650 से लेकर के 1656 के बीच शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनाई थी। तो ये था। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आसपास क्या क्या बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। हुमायूं टॉम किसने बनवाया था, अकबर ने दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा का किसने बनवाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद आप लोगों का शालीमार बाग किसने बनवाया था, श्रीनगर में जहांगीर ने। नेक्स्ट आता आप लोगों का अकबर टॉम सिकंदराबाद में किसने बनवाया था, बिगन बाय द अकबर एंड फिनिश बाय द जहांगीर। टॉम ऑफ एतमादौला का मकबरा कहाँ से, आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉम ऑफ द जहांगीर, ये कहाँ से आप लोगों का, शाहदरा में, लाहौर में शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। ताजमहल आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। रेड फोर्ट दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शालीमार गार्डन लाहौर में शाहजहाँ ने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद दिल्ली वाली शाहजहाँ में 1650 से 1656 के बीच। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में आजम शाह ने बनवाया था। और सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। तो मैंने आप लोगों को सारे रिवाइज करवा दिए हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिकॉर्ड बना था कि टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, तो आउट ऑफ 25 लाख। इस क्वेश्चन में अगर कुछ एरर था आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का 1857 रिवोल्ट पर पूछा गया था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि लेंथ ऑफ द गंगा, तो गंगा की लेंथ कितनी है। भारत की सबसे लेंथीएस्ट रिवर है गंगा, 25-25 किलोमीटर की लेंथ है। गोदावरी की लेंथ 1464 किलोमीटर है, कृष्णा की 1400 किलोमीटर है, यमुना की 1336 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की 916 किलोमीटर है। पूछा गया था आप लोगों से माजुली आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है और कहाँ पर, ये असम में है। ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, याद रखिएगा माजुली, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी दे रखा है। व्हेन टुक प्लेस द ब्लू रिवोल्ट, जो ब्लू रिवोल्ट हुआ था ये कब हुआ था, तो ब्लू रिवोल्ट बोलो या इंडिगो रिबेलियन बोलो या नील विद्रोह बोलो, ये कब हुआ था, ये 1859-60 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, फार्मर के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वो उनको फोर्स कर रहे थे टू ग्रो द इंडिगो अंडर द टर्म्स दैट वर ग्रेटली अनफेवरेबल टू द फार्मर, तो वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप लोगों को इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, तो उसी के अगेंस्ट यह रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कुछ रिवोल्ट देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाता है दाफलास रिबेलियन 1875 में हुआ था, रामप्पा विद्रोह कब हुआ था, 1879 में हुआ था, नागा विद्रोह कब हुआ था, ये भी 1879 में हुआ था, संथालीज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1883 में हुआ था, संथाल रिवोल्ट 1885-86 में हुआ था, मुंडा रिबेलियन कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आता है सांपा पूछता, ताना भगत आंदोलन 1913 से लेकर के 1914 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों को सेकंड रामप्पा आंदोलन कब हुआ था, 1921-23 में हुआ था। कोया रेबेलियन कब हुआ था, 1922 में, और कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। नागा रेबेलियन 1932 में नागालैंड में। फिर आता आप लोग का गोंड या कोलम, तो ये 1941 में आदिलाबाद में आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोडो मूवमेंट हुआ था 1987 में, असम में हुआ था। उसके बाद सारे के सारे रिवोल्ट भी मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिए हैं। विच एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आप लोगों का एसिटिक एसिड। आप लोगों के पास आर्टिकल दे रखे थे, आप लोगों को मैच करना था कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत आती है, आर्टिकल 50 में आप सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 43 में क्या आता है, गिव ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया जो वर्क है उनको क्या देना, काम देना है जिससे वो एक वेजेस को अर्न कर सके। आर्टिकल 44 में क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था जो DMA डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 38 में क्या चीज़ मेंशन है, तो इसमें क्या चीज़ मेंशन है कि ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर स्पेसिफाइंग द गाइडलाइन लेड डाउन बाय द नेशनल अथॉरिटी एंड सच फर्दर मेजर एज इट डीम्स टू नेसेसरी टू एक्सपोनेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें यह चीज़ लिख रखी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑल मेजर एक स्टेप्स लेने हैं
जो भी गाइडलाइन बना रखी है नेशनल अथॉरिटी ने वो डिजास्टर मैनेजमेंट को कम करने के लिए, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको उसके लिए बनाया गया था। आर्टिकल 11 आता है आप लोग का, चीफ गेस्ट ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 एट गुलमर्ग, तो कौन थे? निशित परमानिक। निशित परमानिक खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर हुए थे? तो MP एंड न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट आता स्तूपा, जो सांची का स्तूप है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था 3rd century BC में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा तुगलक डायनेस्टी कब फाउंड की गई थी? तो 1320 में फाउंड की गई थी। अब मैं आप लोगों को सारे डायनेस्टी के टाइम पीरियड बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत वाज गवर्न बाई 5 dynasties। दिल्ली सल्तनत पर कितने डायनेस्टी ने रूल किया? 5 dynasties ने रूल किया। सबसे लंबे टाइम तक किस डायनेस्टी ने रूल किया? तो आप लोग बताना, एक ये आ जाएगा आप लोगों का ये तुगलक डायनेस्टी ने। सबसे पहली ममलुक डायनेस्टी 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी जिसने सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया 1320 से 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 और लोदी डायनेस्टी 1451 से लेकर के 1526 तक। रिपोर्ट ऑफ द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो 1990 में बाई UNDP। और याद रख लेना, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये भी याद रखिएगा। इन विच एनिमल द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली एक बार, तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो ये आप लोगों का हिप्पोकैम्पस। न्यूमेरिकल पूछा गया था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड था, साइंस का क्वेश्चन था, आप लोगों को आई निकालनी थी, आई होता है V/R, तो इससे निकल जाएगी आप लोगों की। विच कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इन दैम, तो कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है? एथिलीन, एसीटोन, डाइजीन। आप लोगों के क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रियोस्टेट, तो आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। 4 statements दे रखे थे, तो आप लोगों को अगर किसी में से कोई स्टेटमेंट याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑन द सेल यूकैरियोटिक सेल एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो साइंस जो पूछी गई थी आप लोगों की स्टेटमेंट बेस पूछी गई थी। फिर पूछा था पाइव्यूरेट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, जो पाइव्यूरेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस होता है आप लोगों का फर्मेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन। फोटोसिंथेसिस पर भी आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे थे, तो ये भी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन था साइंस का। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था चकनागान नागई फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो गान नागई आल्सो नोन एज द चकनागान नागा इज ए फेस्टिवल ऑफ जेलिंग्रोंग पीपल, तो जेलिंग्रोंग पीपल ऑफ असम मणिपुर एंड नागालैंड, AMN, असम मणिपुर एंड नागालैंड के पीपल के द्वारा इसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा गया था आप लोगों से माउंट एवरेस्ट एंड सम अदर पीक्स रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज, कुछ माउंटेन पीक दे रखी थी आप लोगों से, पूछा था वो किस रेंज में पड़ती है। तो मैं आप लोगों को सारी रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हो सकती है। जैसे आप लोग की धूपगढ़ सतपुड़ा में पड़ती है, कालसुबाई वेस्टर्न घाट में पड़ती है, माउंट इसो आप लोगों का सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, शिलोंग आप लोगों का खासी हिल्स में पड़ता है आप लोगों का, उसके बाद थांगपुई आप लोगों की साइथा डिस्ट्रिक्ट, माउंट सारामती नागा हिल्स, देवमाली ईस्टर्न घाट में पड़ती है, उसके बाद आता है आप लोगों का गुरु शिखर अरावली में, कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है, देदो बट्टा आप लोग का नीलगिरी हिल, लक्ष्मी देवी पल्ली आप लोगों का कहाँ पड़ता है? दक्कन प्लेटू में पड़ता है। बैटलैंग चिप आप लोग का जामपुई हिल्स में, एमसोट पिक आप लोग का शिवालिक हिल्स में, नंदा देवी आप लोगों का गैडवाल हिमालय में पड़ती है, और संड कफू आप लोगों की ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है। तो सारे पीक मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवा दी। मुजापिला गांड बीच ये कहाँ पर स्थित है? आप लोग का केरला में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था करेक्ट द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोल, तो आप लोगों को इनके मैच करने थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग थे, तो ये एथेनॉल का होता है आप लोगों का OH, ये प्रोपेन का होता है, कीटोन का होता है ओ वाला आप लोगों का, और ब्यूटेनॉल का होता है ये आप लोगों का। तो ये ग्रुप आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोगों को मैच करने थे। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस पर वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता? तो वोल्टेज पर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द लेंथ पर डिपेंड करता है, और वायर में जो करंट फ्लो होती है उस पर, एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर लेंथ पर, उसके बाद आप लोगों का एरिया पर, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कंज्यूमर राइट डज नॉट इंक्लूड, तो कंज्यूमर राइट में कौन सा जो राइट है वो इंक्लूड नहीं होता है? तो मैं कंज्यूमर राइट कौन कौन से होते हैं सारे आप लोगों को बता देता हूँ। राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू इन्फॉर्म होता है, राइट टू चूज होता है, राइट टू बी हर्ड होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल होता है। इनमें से जो भी आप लोगों का ऑप्शन में नहीं था वही करेक्ट हो जाएगा, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था लाइट पासिस थ्रू पॉइंट डज नॉट डिफ्लेक्ट, तो किस पॉइंट से लाइट पास होने पर डिफ्लेक्ट नहीं होती है? तो ये होता है आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड रहता है? तो जो भी हर एक सरफेस होती है उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे को दोनों की दोनों किस में होनी चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए। यही होता है आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
उसके बाद आता है इनसाइड रियर साइड ऑफ द स्पून, चम्मच की जो अंदर की साइड होती है वो किस टाइप की मिरर की तरह बिहेव करती है, तो ये करती है कनकेव मिरर। विच मिरर गिव द लार्जर इमेज देन ऑब्जेक्ट, तो कौन सी देती है, ये होती है आप लोगों की कनकेव। भारतीय जनसंघ के बारे में स्टेटमेंट दे रखा था, तो आप लोगों को बता देता हूँ। भारतीय जनसंघ जो होता है ना, जिसको BJS बोलते हैं या शॉर्ट में JS बोलते हैं, ये जनसंघ होता है इसको, तो ये जनसंघ था जो 1951 में भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये बाद में 1951 से लेकर के 1977 तक था, फिर इसको मर्ज कर दिया गया था RSS वगैरह में और कुछ हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर जो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये आज की एनालिसिस थी फर्स्ट शिफ्ट की। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर इनमें से आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में एरर लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। अगर किसी को कैंडिडेट को क्वेश्चन याद है एग्जैक्ट कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, वो भी कमेंट करके बता सकता है। तो ये एनालिसिस थी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, @HighStudyHS जा करके सर्च कर लीजिएगा। आप लोगों को कमेंट करना कितने अटेम्प्ट किए और आपके रूम में कितने अटेंडेंस थी, जिससे हम लोग एक आइडिया लगा सकें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, उसकी भी एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसकी 8 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें JK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी। उसके बाद 8 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट है वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस देख लेते हैं। JK के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो सब के सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन होगी, एल्काइन होगा, तो इनके फॉर्मूले के बारे में पूछा था कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को सबके फॉर्मूले बता देता हूँ। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। बाकी आप लोग ईथर वगैरह का पढ़ सकते हैं। कीटोन का होता है CH2NO होता है, एस्टर का होता है CnH2NO2। तो जो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, आगे आप लोगों को एमाइड का भी पूछा जा सकता है, C2HN2N+NO2 होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एमाइड का भी और एमाइन का भी। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उससे इमेज किस तरह की फॉर्म होती है, तो हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर वाली कैसी होती है। तो या तो कॉनवेक्स पूछा गया होगा आप लोगों से या कॉनकेव होता है, यही दो मिरर होती है, इनसे इमेज कैसी बनती है, इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है। डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है। अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो आप लोगों की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है अगर, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। उसके बाद अगर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी आप लोगों की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी। अगर एट द प्रिंसिपल फोकस पर रखी है तब कहाँ पर बनेगी आप लोगों का, इन्फिनिटी पर बनेगी। नेचर कैसा रहेगा, नेचर आप लोग देख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड। बाकी सिर्फ एक केस में आप लोगों की एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनती है, अगर जो बॉडी आप लोगों की फोकस पर रखी होती है उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है कनकेव लेंस से। तो ये आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करके जाना कि इमेज कौन से लेंस से, कौन से मिरर से कैसी बनती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आप लोगों का, जो आप लोगों का स्पून होता है, जो स्पून होता है उसका जो अंदर की शेप होती है तो वो किस टाइप की मिरर होती है। तो आप लोग याद रखिएगा वह भी कैसी होती है, कनकेव होती है। कौन सी, कनकेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ केरला। तो केरला का जो, केरला में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है, तो ये आप लोगों का 964। फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का कोई एक फेस्टिवल पूछा गया होगा, तो मैं सिक्किम के सारे फेस्टिवल आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। लोसर सिक्किम का है, सागादावा भी सिक्किम का है, भानु जयंती भी सिक्किम का, इंदिरा यात्रा ये भी सिक्किम का, और पांग लहब सोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कहाँ का, सिक्किम का। दसाइन भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में, और लोसंग तो है ही सिक्किम का।
आर्टिकल फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो कौन सा आर्टिकल होता है? अगर आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा जाए तो 86 रहेगा, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। आर्टिकल पूछा जाए तो 21A आर्टिकल हुआ था। और पार्लियामेंट में जो एक्ट है वो कब आया था? आरटी एक्ट 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2022 से वो विद इफेक्ट लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से थीम ऑफ द साइंस डे, तो जो 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे, उसकी थीम पूछी थी, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम थी। और 28 फरवरी को क्या होता? तो रमन इफेक्ट की खोज की गई थी बाय सीवी रमन के द्वारा। बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का होता है? तो ये टेट्रावेलेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया था, तो CSO4H2O। ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा चुका हूँ। व्हेन द बोडो डोगरी संथाली लैंग्वेज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये चार लैंग्वेज जोड़ी गई थी? तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इससे पहले लैंग्वेज से रिलेटेड दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और याद रखने हैं आप लोगों को। एक तो 21st याद रखना 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसके बाद एक और आता है आप लोगों का 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये इसकी ट्रिक हो जाती है। वैन अंबुबाची मेला हेल्ड, तो जो अंबुबाची मेला लगता है, अंबुबाची का मेला, तो ये किस सीजन में लगता है? तो समर में लगता है। और ये कहाँ पर लगता है? तो कामाख्या टेम्पल आप लोगों का असम में, तो वहीं पर लगता है आप लोगों का अंबुबाची मेला, मोस्ट फेमस मेला है ये। विलेज फ्रॉम चिपको मूवमेंट, तो जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो किस विलेज से स्टार्ट हुआ था? तो मंडल विलेज था 1973 में, कहाँ पर? उत्तराखंड में। पहले यूपी था, अब उत्तराखंड में चली गई है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे थे, आप लोगों को उसे बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ऐसे हो सकता है 3-4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे तो आप लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना था। तो WTO के बारे में सारे फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो WTO क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करती है? ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री से दो कंट्री के बीच में, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये कब बनाया गया था? तो मराकास अग्रीमेंट जो हुआ था 1994 में, उससे इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये अग्रीमेंट हुआ था, इससे पहले क्या हुआ करता था? गैट नाम की एक बॉडी हुआ करती थी जो 1948 में भी थी। गैट की फुल फॉर्म भी होती है जनरल अग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। तो जब WTO नहीं था तो उस समय कौन सी बॉडी काम किया करती थी? तो गैट काम किया करती थी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, किस ईयर में बनी थी ये भी पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं WTO ने किसको रिप्लेस किया, तो किसको? गैट को रिप्लेस किया। ऑफिशियली कब बना था ये? 1 जनवरी 1995 को। मेंबर कितने? 164। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जनेवा में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला। और लेटेस्ट मेंबर जो 164th मेंबर था, ये कौन था? अफगानिस्तान था, जो 2016 में इसका मेंबर बना था। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड स्टार्टेड बाई, तो ये किसने स्टार्ट किया था? द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इनिशियली स्टार्टेड द स्टेट लेवल अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो राजस्थान ऑप्शन में होगा, तो राजस्थान भी करेक्ट होगा आप लोगों का, तो ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है इसमें? 25,000 रुपये कैश दिए जाते हैं। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड को 2013 में स्टार्ट किया गया था भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था? तो गंगाराम बिश्नोई को ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम। फोकस डिस्टेंस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये उसी तरीके से है कि अगर आप लोगों की कॉनकेव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर कॉनकेव मिरर है ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट द इन्फिनिटी। और इमेज की जो नेचर होगा क्या होगा? वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। तो ये जो लेंस वाला चैप्टर है, कहाँ पर कौन सी इमेज रखी जाती है, कब कौन सी इमेज बनती है, तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाना जिनका भी एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो ये कैटानेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये क्या होती है? तो कार्बन जो है ना, अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो पीरियोडिक टेबल में ओनली एलिमेंट इज कार्बन, जो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटानेशन, जो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास है। लाइट ट्रेवल फास्ट, तो लाइट जो होती है वो किस किस में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है? तो लाइट की स्पीड देख लेते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में आइस में इतनी होती है, फिर आप लोगों की आइस में 229,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है लिक्विड वाटर में। तो आप लोगों को अरेंज करना था कि किस में कम होती है किस में ज़्यादा होती है। तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे आप लोगों को और मैच करना था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों के लिए सारी जो स्पीड है सारी मेंशन कर दी यहाँ पर, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता था यूएन यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट अवार्ड 2023 किसके लिए? फॉर जग्गा मिशन, ए 5T इनिशिएटिव था ये, किसका? जग्गा मिशन के लिए। लाइट गोज रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है ना ट्रेवल करती है कहाँ से, रेयर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में, तो आप लोगों से पूछा था कि वो नॉर्मल की साइड जाएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि वो दूर जाएगी कि पास आएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, जब डेंसर मीडियम में जाती है तो आप लोगों को पता है कि डेंसर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास रहते हैं, और मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको फैलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की साइड जाएगी, नॉर्मल की साइड। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, अब रेयर मीडियम में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो उसके पास पूरा स्पेस है, वो कहीं पर भी जा सकती है, तो उसे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, डिस्टेंस पर जाएगी। तो इसकी ट्रिक होती है, आप लोग कभी नहीं बोलोगे ये। व्हाट इज यूज व्हेन द बी कट, जब आप लोगों की मधुमक्खी काट लेती है तो क्या यूज़ किया जाता है, तो मधुमक्खी के काटने पर हमारी बॉडी में एक एसिड सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमें पेन होता है, तो उसको, वो एसिड सोल्यूशन है तो उसको कम करने के लिए बेसिक यूज़ करना होगा, तो बेसिक क्या होता है आप लोग का, बेकिंग सोडा। हु इज़ द हर्बल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे से क्वेश्चन आया, मैं जल्दी आप लोगों को सारे ब्रांड एम्बेसडर करवा दूंगा। तो हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इस समय स्मृति मंदाना है, क्रिकेटर। टोटल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कितनी है, तो 75 हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बोरो की गई है, तो आप लोगों को याद रखना है, तो दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेजिडुअल पावर वेस्ट विद द सेंटर, तो जो रेजिडुअल पावर बचती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन कुछ पावर ऐसी होते हैं जिनको डिफाइन नहीं किए गए, तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास में। एक होता है फेडरलिज्म, संघवाद, तो ये भी किस कहाँ से लिया गया, ये भी कनाडा से लिया गया। सेंटर अपॉइंटमेंट गवर्नर, तो हर एक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी जो है नियोजन कहाँ से लिया गया, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके बाद पूछा गया था स्वराज पार्टी के बारे में, तीन स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्वराज पार्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी, कब बनी थी, 1923 में बनी थी, आफ्टर द 1922 का जो गया सेशन हुआ था, बाय द मेंबर ऑफ INC पार्टी, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन्हें मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, तो दो के नाम याद रख लेना, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी, और 1922 का जो सेशन हुआ था उसके गया सेशन के बाद ये पार्टी बनाई गई थी। और ये क्या करते थे कि इन्होंने बोला था कि हम अलग से इलेक्शन के थ्रू ब्रिटिश से लड़ेंगे, तो इन्होंने क्या था कि हम अलग से ब्रिटिश के साथ लड़ेंगे इलेक्शन के थ्रू, एक इलेक्शन कराए जाएँ। तो ये क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिला आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो स्किप हो गए हैं। आई होप आप लोगों को हाईस्टडी चैनल की ओर से की जा रही एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो आप @HighStudyHS सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करिए, या फिर @HighStudyHS टाइप करके ज्वाइन करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोगों को एक दो कमेंट करने हैं, क्या कमेंट करना है कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, क्या अटेंडेंस रही है आप लोगों की, और जिनका भी एग्ज़ाम 3rd शिफ्ट में है तो वो आप लोग रिव्यू जरूर देना, व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज देना, या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग शिफ्ट की एनालिसिस भी आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।